ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा तो होगा ही होगा, लेकिन विश्व समुदाय को वसुधैव कुटुंबकम जिस मंत्र को हम जिए हैं, उस मंत्र का अनुभव कराने का भी अवसर प्राप्त होगा। हमारा व्यापार अगले 5 वर्षों में 60 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन डॉलर से बढ़कर 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। Stands as a trusted partner and friend of India. भारत और यूएई के मजबूत संबंधों का एक और दृश्य दुनिया के पटल पर उभरने को है। 2014 के बाद से शुरू हुई एक शानदार दोस्ती नए सोपान पर चढ़ने को है। दोस्त अपने दोस्त से मिलेगा, एक देश अपने मित्र देश से फिर कहेगा अहलान मोदी। राजनीति की विदेश नीति का रसायन शास्त्र भौतिक दूरी और सीमाओं से ज्यादा संवेदनाओं और भावनाओं की डोर से कसता है। तभी तो संयुक्त राष्ट्र अमीरात के दिल में एक भारत धड़कता है, एक भारत बसता है। 13 जनवरी को अहलान मोदी कहने के लिए यूएई की अबू धाबी बेसब्र है और भारत से वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र संदेश को लेकर पीएम मोदी भी अबू धाबी पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में विशाल भारतीय समुदाय की जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है अहलान मोदी और इस कार्यक्रम में तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। चौदह फरवरी को पीएम मोदी अबू धाबी में बने भव्य बीपीएस स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 13 फरवरी को अबू धाबी की धरती पर आयोजित होने वाले अहलान मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। अहलान अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्वागत, और अहलान मोदी का अर्थ है स्वागत है मोदी। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच की केमिस्ट्री भाषा और भौतिक सीमाओं से परे भावार्थों से भरी है। और उन आंखों में पड़ने वाली किसी किरकिरी की तरह है जो मोदी के राजधर्म को एक धर्म से जोड़कर दिखाने बताने और जताने की खुराफातों में अटके रहते हैं। मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस किंग ऑफ मोहनजोदड़ो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। लेकिन इसी कट्टरपंथी जमात की शातिर सियासत से अलग पीएम मोदी ने वैश्विक मंच पर अपनी लकीर खींची, खासकर इस्लामिक देशों और अरब में मोदी के विजन से लेकर मोदी के धर्म के पवित्र इंटेंशन तक को सराहा गया है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है अबू धाबी में बना ये भव्य मंदिर। ये मंदिर 17 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है, जिस जमीन को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने दान में दिया था। खास बात यह है कि इस मंदिर को भारत के कारीगरों ने बनाया है। भारत और यूएई के बीच सद्भाव के प्रतीक के तौर पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसमें यूएई के 7 अमीरातों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीनारें भी हैं।
2015 में पीएम मोदी पहली बार यूएई गए थे, तब मंदिर को लेकर यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान से चर्चा हुई थी और भारत और यूएई की मित्रता के प्रतीक के तौर पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। बतौर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार यूएई का दौरा अगस्त 2015 में किया था। ये दौरा इस लिहाज से ऐतिहासिक था क्योंकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 34 साल बाद यूएई की धरती पर कदम रखा था। दुनिया में किसी एक देश के साथ इतनी बड़ी मात्रा में हवाई आवागमन अगर कहीं है तो इस इलाके से है। हर हफ्ते 700 से भी अधिक फ्लाइट आती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 34 साल लग गए। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे काम हैं जो पूर्व के लोग मेरे लिए बाकी छोड़ करके चले गए और उस अच्छे कामों में से एक महत्वपूर्ण अच्छा काम मेरा अबूधाबी आना, मेरा दुबई आना। जिस प्रकार से ये मेरी पहली भारत यूएई के संबंधों की नई शुरुआत मोदी के इसी मित्रता सूत्र से हुई और आगे 10 वर्षों में हिंदुस्तान और यूएई की दोस्ती एक नए आसमान पर पहुंची। पीएम मोदी की पहली यूएई यात्रा के दौरान ही दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने का संकल्प लिया था। इसके बाद यूएई के मौजूदा राष्ट्रपति 2017 में जब भारत आए तो उन्होंने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध को औपचारिक तौर से आगे बढ़ाते हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी में तब्दील कर दिया। अगर देखें तो यूएई और भारत के मित्रता संबंधों का नया अध्याय 2014 के बाद से नए रूप में आगे बढ़ा, जो संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों के संवेदनशील सूत्रों के अलावा एक दूसरे पर निर्भर अर्थशास्त्र की सांख्यिकी पर आधारित था। और ये तय हो चुका था कि भारत यूएई की मित्रता आगे और ज्यादा मजबूत होगी और इसकी आधारशिला बनी थी इस भव्य मंदिर निर्माण कार्य को मिली हरी झंडी और जमीन। मैं मंदिर निर्माण से जुड़े हुए सबसे आग्रह करूंगा कि यहां के शासकों ने भारत के प्रति इतना सम्मान जताया है, भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का इतना गौरव किया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमसे कोई चूक न रह जाए, कोई गलती न हो जाए। संयुक्त अरब अमीरात में दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा तादाद में प्रवासी भारतीय रहते हैं। यहाँ तकरीबन 33 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। बात मोदी एरा में अरब देशों के साथ भारत के मजबूत हुए संबंधों भर की नहीं है बल्कि गहरे संकेतों की भी है। पीएम मोदी के करीब 10 वर्षों के जिस शासन को विपक्षी और कट्टरपंथी मुस्लिमों के खिलाफ बताते रहे हैं, उसी दौर में अरब देशों के साथ भारत के संबंध शानदार स्थिति में पहुंचे। काल चक्र का बदलना यही होता है। खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध उस दौर में मजबूत हुए हैं जिस दौर को मोदी के विरोधी इस्लाम विरोधी कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इस्लामिक देशों ने भारत की संवेदनशील और सबको साथ लेकर चलने की नीयत को बखूबी समझा है और पहचाना है और आज भारत और अरब देशों का संबंध एक भागीदारी का संबंध है। शायद कई दशकों के बाद भारत का
खाड़ी के देशों के साथ इतना गहरा, इतना व्यापक और इतना वाइब्रेंट नाता बना है। आज यही हो, खाड़ी के और देश हो, हमारा नाता सिर्फ बायर और सेलर का नहीं रहा है, एक पार्टनरशिप का बना है। भारत और यूएई के बीच सांस्कृतिक संबंध तो हैं ही, बीते 10 वर्षों में यूएई भारत एक मजबूत भागीदार के तौर पर भी उभरे हैं। भारत यूएई के बीच व्यापार को 2022-23 में ऐतिहासिक ऊंचाई मिली। इस अवधि में द्विपक्षीय व्यापार करीब 84.5 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया, जबकि 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार 72.9 अरब डॉलर का रहा था। दोनों देश अगले 5 सालों में द्विपक्षीय उत्पाद व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रख चुके हैं। भारत और यूएई ने जिस तरह अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है, उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को जाता है। हमारा व्यापार अगले 5 वर्षों में 60 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन डॉलर से बढ़कर 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। मित्रता का सीधा सपाट सूत्र है भरोसा। मोदी ने बीते 10 सालों में अरब देशों के साथ इसी भरोसे को मजबूत किया है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मोदी की शानदार केमिस्ट्री इसी भरोसे को दिखाती है। इसी साल 9 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात समिट में शिरकत करने जब यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अहमदाबाद पहुंचे, तो मोदी उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गए थे और फिर अपने दोस्त अल नाहयान को अहमदाबाद की सैर भी कराई थी। लोगों ने मोदी के मित्र का स्वागत दिल खोल कर किया। रिश्ते गर्मजोशी से मजबूत होते हैं और यही गर्मजोशी मोदी का कायल लोगों को बनाती है। अरब देशों, खासकर यूएई और सऊदी अरब के साथ मजबूत होते भारत के संबंधों में धर्म कभी आड़े नहीं आया और अब तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा मंदिर यूएई में बनकर तैयार है। हिंदुस्तान के भीतर जिस योग को एंटी इस्लामिक कहकर कट्टरपंथी उसे हराम बताते रहे हैं, उसी योग को सऊदी अरब जैसे खाटी इस्लामिक देश ने अपने विश्वविद्यालय के सिलेबस में शामिल करने का फैसला किया है। अगर ये मुमकिन हुआ है तो इसकी एक बड़ी वजह सऊदी अरब का अपने दोस्त मोदी पर भरोसा है। सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज में योगा क्लासेस लगेंगे। सऊदी योगा कमेटी, सऊदी स्पोर्ट्स फेडरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जा चुका है। इसका मकसद है भविष्य में सभी यूनिवर्सिटीज को योगा से जोड़ने का। सऊदी में हाल ही में योगा चैंपियनशिप हुई थी, इसमें 112 प्रैक्टिशनर्स ने हिस्सा लिया। इसमें 95 लड़कियां थी और ज्यादातर की उम्र 15 से 25 साल के बीच थी। चाहे कतर हो, सऊदी अरब हो या यूएई हो या कोई और देश, मोदी एरा में भारत के संबंध सभी से बेहतर हुए हैं। पिछले दिनों यूएई में COP28 समिट के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मुलाकात पीएम मोदी से हुई थी। इस मुलाकात का असर ये हुआ कि कतर में जासूसी के आरोप में 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को सुनाई गई मौत की सजा पर रोक लगा दी गई। अगर आप पर किसी का भरोसा न हो तो कोई 10 रुपया भी आप पर लगाने के लिए तैयार होगा क्या? ये भारत की साख बनी है। आज भारत का बदला हुआ रूप विश्व के सामने अपनी स्वीकृति बनाता आगे चल रहा। दुनिया बखूबी समझ चुकी है कि मोदी का भावनाओं से भरा संवाद ही भारत का संवाद है, भारतीयता का संवाद है। असली भारत ऐसा ही है, पूरी दुनिया को अपने परिवार का हिस्सा मानने वाला।
यही वजह है कि मोदी जहां जाते हैं मित्र बनकर छा जाते हैं। पीएम मोदी के ऐसे ही भव्य स्वागत को तैयार है यूएई का अबू धाबी। एहलान मोदी कहते। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।